इतना पसीने से लथपथ होकर भी इतना वजन उठा के और श्रद्धा में कोई कमी नहीं है, इसलिए कृपया कर इनके साथ बिल्कुल ईमानदारी बरती जाए। किसी भी प्रकार से आप लोग कलश के आसपास से निकलते हैं तो थोड़ी दूरी बना के रखें ताकि इनकी स्वच्छता कहीं भी भंग ना हो। साथ ही इनको जो भी कोऑपरेशन हो सके कोऑपरेशन करें। कहाँ से आए हैं भाई साहब आप? गाजियाबाद से। गाजियाबाद से आए हैं तो ये इतना उठा के वजन आप चल पा रहे हैं? कोई दिक्कत नहीं हो रही आपको? भोले बाबा की कृपा है। तो आप बीच में कैसे चलते हैं, रुक रुक के या कैसे होगा? 10 किलोमीटर सुबह और 10 किलोमीटर शाम को चलते हैं, 20 किलोमीटर। तो कितने दिन लग जाएंगे लगभग गाजियाबाद? आज हमने मतलब मैंने 6:30-7 बजे के राउंड में जल उठाया है और मैं 14 तारीख की शाम तक गाजियाबाद आता हूँ। तो देखिए आज सावन का पहला दिन है, 4 तारीख, 4 से 14 तक ही सावन का जल चढ़ना है और तब तक ही ये भाई साहब हमारे भोले भक्त वहाँ तक पहुँच पाएंगे, यानी कि पूरा सावन ये भोले बाबा के नाम समर्पण करेंगे और समर्पित होकर ही समर्पण की भावना के साथ यहाँ हरिद्वार में पधारे हैं। तो इनके जज्बे को सलाम है, साथ ही इनको शुभकामनाएं ताकि अपना सावन और सावन का जल बहुत ही अच्छी तरह से पूर्ण कर पाए। जय भोले की, जय भोले की।